आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एचसीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पूछा गया है व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू साइन अ सब्सिडरी अलायंस सब्सिडरी अलायंस साइन करने वाली पहली स्टेट आपसे पूछी गई है ऑप्शंस आर हैदराबाद बंगाल मैसूर और बिहार तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले सब्सिडरी एलायंस जो है वो साइन किया था हैदराबाद ने ये इसका सही आंसर होगा हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं नवाब ऑफ हैदराबाद जो है वो फर्स्ट थे जिन्होंने साइन किया था सब्सिडरी अलायंस अब हम बात करते हैं कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है ये एक नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी थी जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड वेलेसली के द्वारा तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया था ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेसली ने ये गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के 1798 से 1805 में और इनका इसका मेन पर्पज क्या था क्यों इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस को लॉर्ड वेलेसली ने एस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर इंडिया के अंदर ओके और इस सिस्टम में होता क्या था इस सिस्टम में होता था जो रूलर साइन करता था सब्सिडरी अलायंस को उसे एक्सेप्ट करना होता था पे करने के लिए सब्सिडी टू द ब्रिटिशर्स किस लिए ताकि वो ब्रिटिशर्स जो है वो मेंटेन कर सके ब्रिटिश आर्मी को मीन्स ब्रिटिश आर्मी की मेंटेनेंस के लिए जो है पे करना पड़ता था रूलर को तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ नाम की ही नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी थी यहाँ पे कंप्लीट इंटरवेंशन था ब्रिटिशर्स का और ये एक पॉलिसी थी जिसके थ्रू जो है ब्रिटिश एम्पायर को एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर इसमें क्या होता था यहाँ पे जो है ब्रिटिश आर्मी रहती थी जो रूलर ने ये साइन किया था सब्सिडरी अलायंस वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी रहती थी और रूलर उनके लिए जो है सब्सिडी भी पे करता था उसकी मेंटेनेंस के लिए और साथ ही साथ जो रूलर था वो कोई अलायंस नहीं बना सकता था किसी के साथ अलायंस नहीं बना सकता था प्लस में वो वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते थे किसी भी कंट्री के साथ अगर करना होता था तो ब्रिटिश की परमिशन पहले लेनी होती थी तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो है सिर्फ नाम के लिए ही नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी थी और ये सबसे पहले किसने साइन की थी हैदराबाद ने एच एम टी आप याद रख लेना सबसे पहले किया था हैदराबाद ने देन मैसूर ने देन तंजोर ने ये क्या था साइन ओके हैदराबाद ने कब साइन किया था ये भी पूछा जा सकता है। हैदराबाद ने ये साइन किया था 798 में देन मैसूर ने क्या था 799 में तंजौर ने भी 799 में जो है सब्सिडरी अलायंस की ट्रिटी जो है वो साइन की थी ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है मंगल पांडे वाज़ द सिपॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेंट्री इनमें से किस इन्फेंट्री के जो सिपॉय थे मंगल पांडे मंगल पांडे आपको पता है अठारह की क्रांति में अहम भूमिका इनकी रही थी तो बताइए ये कौन सी आ, इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे तो इसका सही आंसर क्या होगा थर्टी फोर्थ थर्टी फिफ्थी थर्टी आंसर है ये बिलोंग करते थे थर्टी फोर्थ नेटिव इन्फेंट्री से ये इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं मंगल पांडे जो है वो फिपोए थे इन्फेंट्री मैन थे थर्टी फोर्थ बेंगोल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में और 1984 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इनके नाम पे जो है पोस्टेज स्टैम्प भी रिलीज की थी ओके ये भी ध्यान रखना है कि इनके नाम पे पोस्टेज स्टैम्प भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई है वो की थी एट्टी में नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है द अनुशीलन समिति वॉज द रेवोल्यूशनरी ग्रुप फॉर्म इन अनुशीलन समिति जो है ये एक रेवोलुशनरी ग्रुप था ये कहाँ बना था ऑप्शन बंगोल बिहार कानपुर और मद्रास तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बना था बेंगोल में ये बेंगोल में बना था रेवोल्यूशनरी ग्रुप था इसके बारे में भी हम देख लेते हैं अनुशीलन समिति जो है ये बेंगोली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी जो बनी थी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी ट्वेंटी सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में ये बनी थी और इसे जो है प्रोपाउंड किया गया था रेवोल्यूशनरी वॉयेंस के लिए और जिसका पर्पज क्या था पर्पज था खत्म करना एंड करना ब्रिटिश रूल का इंडिया में और इसे फाउंड किया गया था सतीश चंद्र बासु के द्वारा और 1902 में जो है कलकत्ता में इसकी तीन सोसाइटी बन गई थी जो इस अनुशीलन समिति अमरेला के अंडर जो है वो वर्क करती थी करती थी थ्री सोसाइटीज ओके पहली जो है पहली की फाउंडेशन रखी गई थी कलकत्ता के स्टूडेंट सतीश चंद्र बासु के द्वारा विद द पेट्रोनेज ऑफ कलकत्ता बैरिस्टर पी मित्रा और दूसरी जो थी वो लेड की जाती थी बाय बेंगोली वुमेन जिनका नाम था सरला देवी और थर्ड जो है थर्ड वोज फाउंडेड बाय जितेंद्र नाथ बैनर्जी और अरबिंदो घोष ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग चितगोंग चितगोंग रेड रेड कंडक्टेड जो है वो कौन से ईयर में हुई थी ऑप्शन है 1925, 1930, 1926 या फिर मैन ऑफ दीज तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिटगोंग रेड जो है वो इस सेन। सेन मास्टर दा। मास्टर दा इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये वहां के स्कूल में टीचर थे और इस ये जो हुआ था चिटगोंग रेड जो हुई थी इसमें आइडिया क्या था इसमें इसका जो पर्पज था वो था कैप्चर करना जो टू मेन आर्मरीज थी चिटगोंग में ओके okay, और फिर आ, उसके बाद जो है डिमोलिश करना था टेलीग्राफ और टेलीफोन ऑफिस को और ये प्लान जो है इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया था ऑन द नाइट ऑफ अप्रैल एटीन नाइनटीन हंड्रेड थर्टी में रिजल्ट क्या रहा था इसका रिजल्ट रहा था फेल हो गए थे वो लोकेट करने में एम्यूनेशन को लेकिन सक्सेसफुल रहे थे कट करने में टेलीफोन और टेलीग्राफ वायर्स को और डिस करने में ट्रेन की मूवमेंट को ओके okay, अभी जो चिटगोम है ये प्रेजेंट में जो है बांग्लादेश में आता है बांग्लादेश नमोशुदा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा गया है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कांग्रेस मिनिस्टर्स वर हंड्रेड इन 1937 इलेक्शन 1937 में जो इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कहा बनी थी ऑप्शंस है बॉम्बे मद्रास यूनाइटेड प्रोविंस और ऑल ऑफ दीज तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी जगह पे जो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा 1937 में जो इलेक्शन हुए थे तब टोटल 11 प्रोविंसेस थे 11 प्रोविंसेस में ये इलेक्शन हुए थे अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी कहां-कहां बनी थी 11 में से 9 में जो है कांग्रेस पार्टी बनी थी सिर्फ दो ही एक्सेप्शन थी जहां पे नॉन कांग्रेस पार्टी बनी थी वो दो कौन-कौन से एरिया थे बंगाल और पंजाब बंगाल और पंजाब में ही नॉन कांग्रेस मिनिस्टरिज बनी थी बाकी सभी जगह कांग्रेस पार्टी बनी थी ओके यूनाइटेड प्रोविंस मद्रास सेंट्रल प्रोविंस एंड बॉम्बे बिहार उड़ीसा यहाँ पे मेजोरिटी से कांग्रेस आई थी और उसके कुछ टाइम बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एनडब्ल्यू एफ पी में भी कांग्रेस पार्टी आ गई थी और कॉलिजन से कांग्रेस पार्टी आई थी सिंध और असम में कॉलिजन मिनिस्ट्रीज थी uh, कांग्रेस की सिंध में और असम में सिर्फ बंगाल और पंजाब ऐसा एरिया था जहाँ पे नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा गया है द पीरियड व्हिच इज कंसीडर्ड एज गोल्डन एज ऑफ जैज म्यूजिक इन इंडिया इज कौन सी पीरियड को जो है गोल्डन एज ऑफ जैज म्यूजिक बोला जाता है इंडिया में ऑप्शन है 1910 टू 1930 1930 टू 1950 1950 टू 1970 और None ऑफ the above तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्डन पीरियड था 1930 से 1950 बी इज द राइट आंसर इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं जैज म्यूजिक जो है वो किसके द्वारा लाया गया इंडिया में क्या ये यहीं का है ये यहाँ से नहीं है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में अफ्रीकन अमेरिकन जैज म्यूजिशियंस के द्वारा ओके okay? उसके बाद ये आ, स्प्रेड हुआ पूरी कंट्री में और पीरियड आया 1930 से 1950 का जिसे कंसिडर्ड किया गया गोल्डन एज ऑफ जैज म्यूजिक इन इंडिया नमुक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा गया है सेक्रेट लिटरेचर ऑफ इज़ यहूदी धर्म का धार्मिक साहित्य इनमें से कौन सा है ऑप्शन है एलियाहू अहा नाबियोरी और ऑफ द राइट आंसर टोरा जो है वो सेक्रेट लिटरेचर है जुडाइज्म की जुडाइज्म जूह जूज को ही बोलते हैं धर्म तो ये टोरा जो है इनका सेक्रेट uh, लिटरेचर है मैं आपसे पूछती हूँ एक और क्वेश्चन त्रिपितिका त्रिपितिका जो है वो किसका सेक्रेट लिटरेचर है ऑप्शन है जैनिज्म बुद्धिज्म जूडाइज्म और क्रिश्चियनिटी त्रिपितिका तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म ओके okay. इसके बारे में हम देख लेते हैं तोरा के बारे में तोरा जो है ये रिलीजियस बुक है ज्यूज की एंड इज वन ऑफ द फाइव बुक ऑफ बाइबल और ओल्ड टेस्टामेंट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल और कॉम्प्रेशनल वेव इनमें से कौन सी वेव है जो लॉन्गिट्यूडनल और कॉम्प्रेशनल वेव है ऑप्शन है एस वेव एल वेव रिले वेव और पी वेव तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी वेव मींस प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो होती हैं लोंगिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं जब अर्थक्वेक आता है तब जनरेट होती है सिस्मिक वेव्स ओके सिस्मिक वेव्स जो है वो पेनेट्रेट करती हैं अर्थ को बॉडी वेव की फॉर्म में या फिर सरफेस वेव की फॉर्म में जो बॉडी वेव होती है वो होती है प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव और जो सरफेस वेव होती हैं वो होती हैं लव वेव और रेले वेव हर एक वेव का अपना कैरेक्टरिस्टिक स्पीड होती है स्टाइल ऑफ मोशन होता है तो सबसे पहले हम प्राइमरी वेव की बात करते हैं जो प्राइमरी वेव है उसे लोंगिट्यूडनल और कंप्रेसनल वेव भी बोला जाता है ये फर्स्ट सिस्मिक वेव है जो डिटेक्ट की जाती है सिस्मोग्राफ में ओके तो ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सिस्मिक वेव जो डिटेक्ट की जाती है सिस्मोग्राफ के द्वारा वो कौन सी वेव है प्राइमरी है सेकेंडरी है लव है या फिर रेले वेव है तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी वेव प्राइमरी वेव जो है वो सबसे पहले डिटेक्ट की जाती है सिस्मोग्राफ पे और ये जो है दोनों में मूव कर सकती है लिक्विड पे भी मूव कर सकती है और सोलिड में भी ये मूव कर सकती है प्राइमरी वेव अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेकेंडरी वेव की सेकेंडरी वेव जो है सेकेंडरी बॉडी वेव जो है वो ऑसिलेट करती है ग्राउंड के परपेंडिकुलर ओके द ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है सेकेंडरी वेव ट्रेवल करती है और जो सेकेंडरी वेव है ये जो है लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती है ओके सिर्फ सॉलिड में ये ट्रैवल करती है इसलिए अर्थ का जो आउटर कोर होता है वहां से सेकेंडरी वेव जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती है क्योंकि जो अर्थ का आउटर कोर होता है वो क्या होता है वो लिक्विड होता है आपको पता ही होगा अर्थ की फॉर्मेशन क्या होती है पहले होता है उसके अंदर होता होता है है मेंटल फिर होता है आउटर कोर एंड देन इनर कोर और जो ये आउटर कोर वाला एरिया होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए इसमें से सेकेंडरी बॉडी वेव्स जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे रेले वेव की रेले वेव जो है ये एक सरफेस वेव है जो मूव करती है अलेप्टिकल मोशन में ओके तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी वेव है जो अलेप्टिकल मोशन में अलेप्टल मोशन में मूव करती है तो ये है रिले वेव और ये प्रोड्यूस करती है दोनों ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मोशन की ये प्रोड्यूस करती है इसमें इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन ओके क्या प्रोड्यूस करती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन ये प्रोड्यूस करती है इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन नेक्स्ट हम बात करेंगे लव वेव की लव वेव जो है ये भी सरफेस वेव है मैंने ऑलरेडी आपको बताया था रेले वेव और लव वेव सरफेस वेव है प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव जो है ये बॉडी वेव है ओके okay? लव वेव सरफेस वेव है जो मूव करता है पैनल टू द अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस के पैनल ही ये मूव करता है और जो वेव की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर ये मूव करता है और यदि पूछा जाए कि बिल्डिंग को सबसे ज्यादा डैमेज जब अर्थवे आता है तो बिल्डिंग भी डैमेज हो सकती है तो बिल्डिंग को जो डैमेज होता है वो कौन सी वेव की वजह से सबसे ज्यादा होता है तब आंसर हो जाएगा लव वेव लव वेव की वजह से सबसे ज्यादा डैमेज होता है बिल्डिंग को अब हम बात कर लेते हैं शेडो जोन एरिया की जो प्राइमरी वेव है उसका शेडो जोन ये भी पूछा जा सकता है कि जोन एरिया उसका क्या है सेकेंडरी वेव का शेडो जोन एरिया क्या है तो वो हम देख लेते हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि प्राइमरी वेव जो है वो सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती है लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकती है और ये जो है बॉडी वेव होती है जो अर्थ की रिले रे वेव और लव वेव ये तो जो है अर्थ के अंदर जाएंगी ही नहीं क्योंकि वो सरफेस वेव है वो सिर्फ सरफेस तक रहेंगी जो अर्थ के अंदर ट्रैवल कर सकती है वो सिर्फ प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव करती है क्योंकि ये बॉडी वेव होती है और प्राइमरी में हमने डिस्कस किया है कि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रैवल कर सकती है ऑन द अदर हैंड जो सेकेंडरी वेव है वो सिर्फ और सिर्फ किस में ट्रैवल करती है सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती है तो आप देख सकते हैं जो प्राइमरी वेव है उसका शेडो एरिया होता है 105 डिग्री से 142 डिग्री और ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड से बना होता है और वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करेगी क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा रिफ्रैक्शन की वजह से ये शेडो जोन जो है वो क्रिएट होता है और अगर हम बात करें सेकेंडरी uh, वेव की सेकेंडरी वेव तो लिक्विड से ट्रेवल ही नहीं करेगी इसलिए 105 डिग्री के बाद जो भी एरिया होगा वो शेडो जोन होगा किसके लिए एस वेव के लिए इस तरीके से वेव जो है ये हमारी हेल्प करती है इंटीरियर अर्थ के इंटीरियर को जानने में भी वैसे तो बहुत ही मुश्किल काम है अर्थ के इंटीरियर को जानना इस वेव की हेल्प से हमने जो है हमें पता चला है कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड है ओके तो आपको शेडो जोन एरिया का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव का तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग जोन रिसीव द मैक्सिमम हीट मैक्सिमम हीट जो है वो कौन से जोन में होती है ऑप्शन है टॉरेट जोन जोन टेम्परेट जोन और नन ऑफ नीव तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा हीट कहाँ पे होती है इक्वेटर के पास में होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकोन वाला जो एरिया होता है वहां पे होती है और उस जोन को बोला जाता है टोरेट जोन तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा हम हम इसके explanation भी देख लेते हैं और पिक्चर के हम देख लेते लेते हैं 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 और के किस तरीके से हमारे डिवाइड होते जो जो है 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 पे सबसे ज्यादा होती है। ये जो है Central Belt में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन तक ये होता है ये आप देख सकते हैं इक्वेटर होता है जीरो डिग्री पे और ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पे जो होता है इसे बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ में जो होता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन वाला जो एरिया है ये आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं ये होता है टोरेड जोन और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसके बाद ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ से सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ तक जो एरिया होता है सिमिलरली ट्वेंटी थ्री एंड हाफ साउथ और सिक्सटी सिक्स हाफ साउथ जो एरिया होता है ये होता है टेम्परेट जोन ये हो गया नॉर्थ टेम्परेट जोन और ये है साउथ टेम्परेट जोन उसके बाद 66 एंड हाफ से ऊपर 90 डिग्री तक जो भी एरिया है वो फ्रिजर जोन में आता है सिमिलरली साउथ डायरेक्शन में भी रहेगा ये फ्रिजर जोन में आता है होल एरिया ओके इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है जोन का और यदि पूछा जाए यहाँ पे मैक्सिमम हीट पूछा है यदि मिनिमम हीट पूछा जाए तो वो फ्रिजर जोन में होगी वो आप नाम से भी देख सकते हैं नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है एल्फोर्ड वैगेनर कोल्ड द सुपर कॉन्टिनेंट सुपर सुपर कॉन्टिनेंट को जो है एल्फोर्ड वैगेनर ने क्या बोला था ग्रीनलैंड बोला था यूरेशिया बोला था ओशियानिया बोला था या फिर पेंशिया ये कॉन्टिनेंट की बात हो रही है तो ओशियान ओशियानिया तो हो ही नहीं सकता यूरेशिया सिर्फ यूरोप और एशिया वाला रीजन है तो इसका सही आंसर है पैंशिया उन्होंने इसे बोला था डी इसका सही आंसर हो जाएगा इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं जो प्रेजेंट डे में कॉन्टिनेंट है जितने भी कॉन्टिनेंट है आपको पता ही है सेवन कॉन्टिनेंट है तो वो जो है पहले क्या होते वो सिंगल लार्ज मास होता था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता था मीन सभी कॉन्टिनेंट जो है वो आपस में जुड़े हुए थे और जिसे नाम दिया गया था पेंजिया का और सुपर कॉन्टिनेंट भी उन्हें बोला जाता था ये जो है ब्रोकर अपार्ट हुए हैं सबसिक्वेंटली धीरे धीरे ये अलग हुए हैं वेगेनार ने जो है सुपर कॉन्टिनेंट को नाम दिया था पेंजिया का पिक्चर के थ्रू भी हम देख लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इस तरीके से सभी कॉन्टिनेंट जो है आपस में मिले हुए थे ये यूरेशिया है मीन यूरोप और एशिया वाला पार्ट देन नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका ये इंडिया है यहाँ पे अंटार्क्टिका ऑस्ट्रेलिया ये सब जुड़े हुए थे यहाँ पे थर्टिथिर सी उसके बाद जो है क्या स्ट्रक्चर रहा उसके बाद जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ नॉर्थ और साउथ में नर्दरन वाले को नाम दिया गया लोरेशिया का और सर्दरन वाले को नाम दिया गया गोंडवान लैंड का ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि इंडिया जो है वो लोरेशिया का पार्ट है या फिर गोंडवाना लैंड का तो इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया जो है वो साउथ में है और अभी मॉडर्न वर्ल्ड प्रेजेंट में कैसा है वो इस तरीके से है नॉर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका है बीच में एथलेटिक सी है अफ्रीका यूरेशिया यहाँ पे इंडिया का इंडिया आता है इंडिया के नीचे है इंडियन ओशियन ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर है इस तरीके से जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट था ये जिसमें जो है मूवमेंट uh, होती है टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट इसमें कवर होते हैं वो ज्योग्राफी में आपका कवर हो जाएगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग हैज द मेन रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ओशियनिक क्रस्ट जो ओशियनिक क्रस्ट है उसकी फॉर्मेशन में मेन रोल किसका है मीन्स ऑशियनिक क्रस्ट जो है वो किस चीज से बनी हुई है ग्रेनाइट से बेसोल्ट से एंडिसाइड से या फिर ऑलवाइन से तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओशियनिक क्रस्ट जो है वो बना है बेसोल्ट से डी इसका सही आंसर होगा इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं ओशियनिक क्रस्ट जो है वो बना होता है डार्क कलर रॉक से जिसे बेसोल्ट या फिर गबरू बोलते हैं ये थिनर होता है डेंसर होता है डेंस है ये देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो बना होता है लाइट कलर रॉक से जिनसे एंडेसाइट और ग्रेनाइट से ओके okay? और जो लो डेंसिटी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हम अभी हमने देखा ओशियन किससे बना है बेसोल्ट से बना है ओशियन जो है वो डेंसर होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इनमें से तीन चार क्वेश्चन मतलब एक ही एक्सप्लेनेशन uh, से बन सकते हैं जैसे ओशियनिक क्रस्ट पूछा है तो वो बेसोल्ट से बना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी पूछा जा सकता है तो वो ग्रेनाइट से बनता है ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा डेंसर होता है तो ओशियनिक क्रस्ट डेंसर होता है देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी लो डेंसिटी होती है इसी वजह से वो फ्लोट करता है हाई अटॉप द दस मेंटल पहले क्या है क्रस्ट है मीन अर्थ का सरफेस है उसके बाद मेंटल है मेंटल जो है वो क्या होता है विशियस होता है ये और उसके ऊपर जो है फ्लोट करती है अः हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो उसके ऊपर फ्लोट करता है और फॉर्म करता है ड्राई ले

रैग जो है ये टाइप ऑफ डेजर्ट है जो बना होता है एक्सटेंसिव शीट से और एंगुलर पेबल्स और ग्रेवल से जिनको विंड के द्वारा ब्लोन ऑफ नहीं किया जा सकता है और ऑयसिस क्या होता है ऑयसिस जो है ये एक ऐसा एरिया होता है डेजर्ट में जो प्रोडक्टिव होता है जहाँ पे हैबिटेट होता है हैबिटेट होता है वॉटर होता है ये जो है हैबिटेट प्रोवाइड करता है प्लांट्स और एनिमल्स को ओके okay, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हाइएस्ट पॉइंट होता है वेव का वो होता है क्रस्ट यदि पूछा जाए लोवेस्ट पॉइंट क्या होता है तो वो होता है ट्रफ हम पिक्चर के थ्रू भी देख लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हाईएस्ट पॉइंट ये है वेव क्रस्ट ये है लोवेस्ट पॉइंट ये है वेव ओके okay? और जो क्रस्ट uh, से नेक्स्ट क्रस्ट तक का डिफरेंस uh, होता है उसे वेव लेंथ काउंट किया जाता है और जो ट्रफ से लेकर क्रस्ट तक का एरिया होता है वो होता है वेव हाइट इस तरीके से हम वेव की हाइट मेजर करते हैं और इस तरीके से वेव की लेंथ मेजर की जाती है थोड़ी तो यहाँ पे वेव क्रस्ट है सी इसका सही आंसर होगा वेव क्रस्ट हाईएस्ट पॉइंट जो है वेव का वो होता है वेव क्रस्ट और लोवेस्ट पॉइंट होता है वेव ट्रफ द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इनमें से कौन सा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया था जब बजट के बारे में डिस्कस किया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है तो आपको तो ये ऑलरेडी पता होगा तो आप इसका सही आंसर बताइए इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट का ऑप्शन है सब्सिडीज ग्रांट प्रोवाइडेड टू द स्टेट रीपेमेंट ऑफ द पास लोन और एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस मैं आपको दोबारा बता देती हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो डे डे टू डे फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सिडीज भी उसमें आती है ग्रांट भी देनी पड़ती है स्टेट्स को और डिफेंस पे भी एक्सपेंडिचर करना होता है तो ये तीनों तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है सही आंसर क्या हो जाएगा रीपेमेंट ऑफ पास्ट लोन ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है कैपिटल में क्या होता है कैपिटल कैपिटल का मतलब ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ओके लॉन्ग टर्म में जो रहता है स्पेशली इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में ये होती है कैपिटल रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डे टू डे के लिए रहता है तो सी इसका सही आंसर होगा बाकी हम और भी देख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है लो एंड ऑर्डर सब्सिडी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस ग्रांट्स टू इंटरेस्ट पेमेंट ये सब जो है आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसके साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जैसे कि सैलरी वगैरह इन सब की मेंटेनेंस के लिए जो है ये सब आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट में पूछा गया है इनमें से कौन सा टैक्स है 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 जिसे नहीं किया गया है, Goods and Services में स्टेट लेवल पे? है, Entertainment लोकल चुंगी और तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो लोकल बॉडी वाला है इंटरटेनमेंट टैक्स लेविट बाय द लोकल बॉडी ये नहीं आता है जीएसटी में स्टेट लेवल पे बाकी तीनों को जो है कर लिया गया है जीएसटी हम देख लेते हैं किस किस टैक्स को जो है सब्ज्यूम किया गया है स्टेट लेवल पे फॉलोइंग टैक्सेस को जो है सब्ज्यूम किया गया है अंडर जीएसटी वो है सब्ज्यूमिंग ऑफ स्टेट वैट और सेल टैक्स उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन टैक्स लेव बाय लोकल बॉडी सभी इंटरटेनमेंट टैक्स को एक्सेप्शन है जो लेविट किया जाता है लोकल बॉडीज के द्वारा और सेंट्रल सेल टैक्स जो लेविट किया जाता है सेंटर के द्वारा और कोलेक्ट किया जाता है स्टेट के द्वारा उसके साथ ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स परचेज टैक्स लग्जरी टैक्स टैक्स लोटरी बैटिंग एंड गैमलिंग ये सब टैक्सेस को जो है सब कर लिया गया है ओके स्टेट लेवल पे जीएसटी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंडियन डिपोजिटरी रेसिप्ट हाँ जी बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है किसके बारे में इंडियन डिपॉजिटरी रेसिप्ट के बारे में तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनेबल करती है फॉरन कंपनीज को कि वो रेज कर पाए फंड फ्रॉम द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट इंडियन सिक्योरिटी मार्केट से जो है फॉरन कंपनी फंड रेज कर सकती है एंड सेकेंड है कि ये जो है डिनोमिनेटेड होता है रुपीज में थर्ड है दे इनेबल इंडियन कंपनी की ये इंडियन कंपनी को इनेबल करती है कि वो फंड रेज कर सके फॉरेन मार्केट से और बोथ ए एंड बी तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी ये जो है जो इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट होते हैं ये इनेबल करते हैं फॉरेन कंपनी को कि वो फंड रेज कर सकती है इंडियन सिक्योरिटी मार्केट से और ये जो है डिनोमिनेटेड होते हैं रुपीज में सी uh, uh, जो है ऑटोमेटिकली uh, है रोंग हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूपीज में है तो यहाँ पे जो है इंडियन कंपनी रेस नहीं कर सकती फंड को फॉरेन मार्केट से तो सी जो है वो रॉन्ग है ए एंड बी इसका सही आंसर है डी इज द राइट आंसर यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं कि इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट जो है वो इनेबल करती है फॉरेन कंपनी को कि वो रेज कर सके फंड इंडियन सिक्योरिटी मार्केट से साथ ही साथ ये डिनोमिनेटेड होती है इंडियन रुपीज में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट में पूछा गया है कि एप्रीशियेशन ऑफ रुपीज का मतलब क्या है एप्रीशियशन ऑफ रुपीज इम्प्लाइज क्या इंप्लाय करता है फर्स्ट है राइज इन एक्सचेंज यहाँ पे हमारे सारे टर्म क्लियर हो जाएंगे अप्रीशियेशन क्या होता है डेप्रीशियशन क्या होता है ए वैल्यूएशन क्या होता है डी वैल्यूएशन क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है ओके okay, ये सब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अप्रीशियशन ऑफ रुपीज का मतलब होता है कि राइज होना इन द एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीस विद रिस्पेक्ट टू अदर ए इसका सही आंसर हो जाएगा उसे अप्रीशियशन बोलते हैं किसे बोलते हैं जो एक्सचेंज रेट होता है रुपीस का विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज अगर वो राइज़ करता है तो वो होता है एप्रिसिएशन अगर राइज़ होता है एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीस का बाय आरबीआई ये मार्केट बेस्ड होता है यदि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ओके okay, किसी भी कंट्री की यदि सेंट्रल गवर्नमेंट राइज़ करती है एक्सचेंज रेट अपनी करेंसी का तो वो क्या हो जाता है वो होता है अ यहाँ पे हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और यहाँ का सेंट्रल इंडिया का सेंट्रल बैंक आपको पता ही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो है तो यदि एक्सचेंज रेट जो रुपीज का राइज किया जाएगा आरबीआई के द्वारा तो उसे ए वैल्युएशन बोला जाएगा और यदि डिक्रीज होता है एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीज विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज किसी और करेंसी के रिस्पेक्ट में एक्सचेंज रेट uh, रुपीज का जो है यदि डिक्रीज होता है ये भी मार्केट बेस्ड है तो इसे बोला जाएगा डेप्रिशिएशन और यदि डिक्रीज किया जाए एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीज का बाय आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो उसे बोला जाएगा डी ओके आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी फोर टर्म्स की रिगार्डिंग एप्रीशिएशन क्या होता है डेप्रीशिएशन क्या होता है डी क्या होता है ए क्या, क्या होता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक इज एस्टैब्लिश बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था ऑप्शन है आशियान अपैक ब्रिक्स या फिर ट्रांस पैसेफिक पार्टनरशिप के द्वारा तो ये स्टैब्लिश किया गया था ब्रिक्स कंट्री के द्वारा ब्रिक्स कंट्री में कौन कौन सी कंट्री आती है ये आप देख ही सकते हैं फाइव कंट्रीज है ये है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एस्टेब्लिश करने की बात कब की गई थी ये जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसे एस्टेब्लिश किया गया है ब्रिक्स नेशंस के द्वारा ड्यूरिंग द सिक्स ब्रिक्स समिट जो कहाँ हुआ था फोर्टालिजा uh, में ये हुआ था फोर्टाजा कहाँ पे है ब्राजील में है और कब हुआ था सिक्स ब्रिक्स समिट ये हुआ था दो में फैसला लिया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने का नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोक्लामेशन ऑफ एन एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के अंडर एमरजेंसी जो डिक्लेयर की जाती है उसमें किस तरीके की मेजोरिटी होनी जरूरी है सिंपल मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट पहले आप मुझे बताइए कि आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू क्या बोलता है कौन सी इमरजेंसी की बात करता है तो ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल मींस स्टेट इमरजेंसी जो है वो कौन सी आर्टिकल के अंडर आती है प्रेसिडेंट रूल ये है आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी ये आती है आर्टिकल 360 ओके और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस तो पूछा गया है आर्टिकल 352 में कौन सी मेजोरिटी की जरूरत होती है तो ये होती है स्पेशल मेजोरिटी सी इसका सही आंसर हो जाएगा इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं एवरी प्रक्लमेशन मेड अंडर आर्टिकल थ्री हंड्रेड फिफ्टी टू उसे अप्रूव करना जरूरी होता है दोनों हाउसेस के द्वारा बाई ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी ओके नुक टू द्वेश्चन यहां आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट इंजॉयड बाई एन इंडिविजुअल अंडर आर्टिकल आर्टिकल में इनमें से कौन सा राइट जो है फर्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कस्टडी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट कस्टडी नहीं है आर्टिकल ट्वेंटी में बाकी तीनों जो है ये आर्टिकल ट्वेंटी में मेंशन है और एक्सपोस्ट फैक्टो का मतलब क्या है पोस्ट फैक्टो लो का मतलब है यदि आपने कोई गुना किया है उससे पहले वो वो बना उसके बाद में वो लो बनता है तो वो उस पे नहीं होगा उसे रहेगा ओके? Second है protection against double party, means एक गुना के लिए दो सजा नहीं मिल सकती है प्रोटेक्शन होगा डबल जियो पार्टी से दो बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी एक ए, एक गुना के लिए ओके तो बी भी सही है और डी है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स आप अपने ही केस में खुद खुद विटनेस नहीं होंगे उसके अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन होगा तो ये तीनों जो है आर्टिकल ट्वेंटी अगेंस्ट कस्टडी जो है वो मैंशन नहीं है आर्टिकल ट्वेंटी में इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं जो आर्टिकल ट्वेंटी है वो डील करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसिस ओके और ये गारंटी करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एक्सपोस्ट पोस्ट पोस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये क्या होते हैं ये वो लॉ होता है जो प, जो आपने कोई uh, किया है गुनाह उसे बाद में यदि कोई लॉ बनेगा तो वो उससे इम्प्लीमेंट नहीं होगा ओके वो होगा होगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स्ट पोस्ट लॉ नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पार्टी और नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमिनेशन टू तो ऑल द पीपल चाहे वो सिटीजन है या नॉन सिटीजन है ये सबके लिए है आर्टिकल ट्वेंटी ओके okay, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हैड द प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी केस में बोला था कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है फर्स्ट है बैरोबारी ओवरसेज यूनियन केस में केशव भारती केस में या फिर एल ऑफ इंडिया केस में या दोनों में बोथ ए एंड बी तो इसका सही आंसर क्या है ये बोला गया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है पार्ट ऑफ इंडियन जो बैरोबारी वर्सेस यूनियन केस था सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का इसलिए इसको जो है अमेंड नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा

और प्रयाम्बल में अमेंडमेंट भी हुई है तो आपको पता होना चाहिए अमेंडमेंट क्या हुई है कौन सी अम, आ, एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी कौन से ईयर में हुई थी ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हुई थी अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स में और क्या क्या जो है अमेंडमेंट हुई थी वो हुए थे थ्री वर्ड जो है एंटर किए गए थे प्रयाम्बल के अंदर और वो तीन वर्ड कौन से थे वो थे सोशल सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वर्ड जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू एंटर किए गए थे प्रल में तो वो है सोशल सेक्युलर और इंटीग्रिटी और कौन से अमेंडमेंट के अंदर अमेंडमेंट एक्ट तो जो 1976 में हुआ था ओके okay, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट गारंटेड टू गनर फोरनर को कौन सा अधिकार इनमें से नहीं दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो ये राइट जो है फॉरनर्स को भी है के लिए भी है ये नॉन सिटीजन के लिए भी है कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो है ये सिर्फ सिटीजन के लिए है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी क्योंकि पूछा है कि कौन सा नहीं दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनैलिटी लिबर्टी ये फॉरनर्स के लिए है एलिमेंट्री राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन भी है फॉरनर्स के लिए एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस ये भी सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट ये सिर्फ सिटीजन के लिए है बी इसका सही आंसर हो जाएगा इसके एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं ये वो आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ सिटीजन के लिए हैं जो फॉरनर्स के लिए नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये है सबसे पहले आर्टिकल फिफ्टीन आर्टिकल फिफ्टीन क्या बोलता है आर्टिकल फिफ्टीन में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस रिलीजन कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ओके

ये भी सिर्फ सिटीजन के लिए है उसके बाद जो है हमने बात की थी यहाँ पे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कल्चरल और एजुकेशनल राइट right आते हैं आर्टिकल 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 नंबर नंबर और 30 में जो सिर्फ के लिए है, 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनोरिटीज माइनॉरिटीज की लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा और आर्टिकल थर्टी बोलता है कि राइट ऑफ माइनोरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल को राइट right देता है करने का और एडमिनिस्टर करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओके ये uh, है, ये हैं आपको ध्यान रखने हैं आर्टिकल नंबर फिफ्टीन आर्टिकल सिक्सटीन आर्टिकल नंबर नाइनटीन आर्टिकल ट्वेंटी नाइन और आर्टिकल थर्टी ये सिर्फ और सिर्फ एंजॉय किए जाते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा फोनर्स को जो है ये राइट right नहीं दिए जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट में पूछा गया है ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन जो है वो बहुत ही लेंथी है और तो क्या फैक्टर है जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी है तो फर्स्ट है जियोग्राफिकल फैक्टर हिस्टोरिकल फैक्टर डिटेल्ड प्रोविजन अबाउट सेंट्रल स्टेट रिलेशन और ऑल ऑफ द अबाउट तो इसका सही आंसर है ये सभी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जियोग्राफिकल फैक्टर भी है हिस्टोरिकल फैक्टर भी है डिटेल्ड प्रोविजन अबाउट सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी है तो ऑल ऑफ द इज द राइट आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल uh, है लैंड कॉन्स्टिट्यूशन के वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर ज्योग्राफिकल फैक्टर में आप हमारी कंट्री जो है काफी वास्ट है वास्टनेस ऑफ द कंट्री है प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है शेड्यूल्ड कास्ट हैं शेड्यूल्ड ट्राइब हैं माइनॉरिटीज हैं इसलिए जो है इन इन सब की रिगार्डिंग जो है कुछ ना कुछ प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट है हिस्टोरिकल फैक्टर हिस्टोरिकल फैक्टर जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये काफी लेंथी था तो वहीं से हमने ड्राइव किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो हिस्टोरिकल फैक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ज्योग्राफिकल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है साथ ही साथ यहाँ पे क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का यहाँ पे डिटेल्ड प्रोविजन है रिगार्डिंग सेंटर और स्टेट रिलेशंस के रिगार्डिंग ओके okay? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्ट्रक्चर में जो है दोनों के बारे में मेंशन है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में मोस्टली जो है दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में मैंशन होता है तो ये सभी फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल uh, है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंडिंगनेस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इज द मॉडर्न मनु मॉडर्न मनु इनमें से किसे बोला जाता है के टी शाह बी आर अम्बेडकर एच एन कुंजरू या फिर राजकुमारी अमृत कौर तो इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है मॉडर्न मनु हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके साथ साथ मॉडर्न मनो भी ने बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और यहाँ पे जो है सबके लिए मॉडर्न लॉ है फॉर ऑल द इंडियंस नेक्स्ट ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है विच एक्ट एक्सटेंडेड द प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू सिख एंड इंडियन क्रिश्चियंस कौन से एक्ट में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है एक्सटेंड किया गया था सिख और इंडियन के लिए ऑप्शन एक्ट में तो इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट कब आया था और सबसे पहले ये किसके लिए आया था तो ये आप सभी को पता होगा ये आया था 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट का आया था और ये मुस्लिम के लिए था जो नाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है इसे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म्स और क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था ये कॉन्सेप्ट सेपरेट इलेक्टोरेट का तो मिंटो को फादर ऑफ कॉम्यूनल इलेक्टोरेट भी बोला गया था बोला जाता है फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट तो यहां से रिलेट करके भी आप आंसर कर पाएंगे जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1909 में और ये जो है प्रोविजन एक्सटेंड हुआ था सिख और इंडियन क्रिश्चियंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ए इसका सही आंसर हो जाएगा इनको तो आप इजीली एलिमिनेट ही कर देंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस 1909 में हुआ था और एक्सटेंड हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सिख और इंडियन क्रिस्टियस के लिए इसके एक्सप्लेनेशन हम एक और बार देख लेते हैं नीचे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 ये एक्सटेंड हुआ था द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्यूनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख इंडियन क्रिश्चियंस एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को ओके okay, तो आज के लिए इतना ही आई होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू वेरी मच बाय बाय एंड टेक केयर